दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मिट्टी के कूलर कैसे बनाए जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है इस कच्ची मिट्टी से, जिसको इस कुएं नुमा बने हुए चीज के अंदर डाला जाता है और पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है और छन्नी की मदद से जो है इसको छाना जाता है, ताकि जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह हो वो निकल जाए। ये मिट्टी जब सूख जाती है तो यहाँ से इनको उठाकर अंदर की तरफ ले जाया जाता है, जिससे गमले, कूलर और भी तरह के बर्तन वगैरह यहाँ से बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है कूलर बनाए जाते हैं सांचों की मदद से। ये दो सांचे होते हैं, इन दोनों को जो है फिर जो है आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर धूप में सुखाने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। धूप में जब भी ऊपर की हिस्सा सूख जाता है तो फिर ऊपर से एक सांचा हटा दिया जाता है और मजीद धूप लगने के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद जो है इनको सांचों में से निकाल दिया जाता है और मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए जो है फिनिशिंग प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है। इस पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसको मज़ीद और खूबसूरत बनाया जाता है। फिनिशिंग के बाद जो है मज़ीद इसको धूप के अंदर और सुखाया जाता है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, ताकि जो है भट्टी में जब पकाने पर ये जो है वो फटे ना, क्योंकि अगर इनको ड्राई नहीं किया गया तो भट्टी में पकाते वक्त ये फट जाते हैं। अच्छे से जो है इसको चेंज करते रहते हैं, कूलर की पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ताकि वो अच्छे से जो है वो धूप लग सके कूलर के चारों तरफ। आप देख सकते हो ये कूलर यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये अभी धूप में इसको सुखाया है, सुखाने के बाद यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसको भट्टी में डालेंगे और इसको पकाएंगे। मैं यहाँ पे जो भट्टी चल रही है, जो अभी ये लाइव है, इसके अंदर बड़ी खतरनाक किस्म की
आँच लगी हुई, बड़ा हीटअप आ रही है। यहाँ प्रोडक्ट डाले हुए हैं और ऊपर जो ये टुकड़े डाल देते हैं, जो वेस्टेज होता है, देखें नीचे जो पड़े हुए हैं, ये वेस्टेज जो है, क्योंकि अक्सर पीसेस जो है वो टूट भी जाते हैं ना, तो वो जो टूट जाते हैं वो उनको तोड़ के इसके ऊपर ऐसा कवर के लिए यूज़ करते हैं, तो तोड़ के ऊपर रख देते हैं ताकि वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा उन जो बर्तन दिए हुए हैं उनके ऊपर वो हीट लगे और वो अच्छे से पक सकें। अब ये कुछ यहाँ पे कूलर वगैरह पड़े हुए, ये पक गए थे, लेकिन इनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा तभी ये साइड पे रखे हुए, अदरवाइज़ ये यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि पकते हैं ना ये तो कुछ फट भी जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे लकीर, ये रही लकीर, ये नज़र आ रही, ये फट गया है, तो ये जो डिफेक्ट हो जाता है वो साइड पे कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे कूलर है, अलग अलग किस्म के यहाँ कूलर यहाँ बनाते हैं, डिज़ाइन वाले कूलर हैं और भी अलग अलग तरह के। देखें इस तरह का भी डिज़ाइन बनता है, ये इस तरह का भी इसका डिज़ाइन बनता है और ये वाला भी है। तो जिस तरह का भी कूलर जो है, ढक्कन वगैरह इस पर हम ढक्कन डाल देते हैं, ये छोटे का है ढक्कन, ये जो यहाँ पड़े हुए हैं ये तकरीबन सारे डिफेक्टिव पीस हैं, जो कुछ किसी ने कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर है तभी यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। जैसे इसका ये टूटा हुआ है, जैसे इसका ये टूटा हुआ है, यहाँ पर ये भी कोई इशू डिफेक्ट है, ये सारे डिफेक्टेड पीस हैं यहाँ से लिए पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो है कैप बनाए जा रहे हैं, जो कूलर के ऊपर जो ढक्कन जो होता है वो ढक्कन जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं कूलर की साइज़ के हिसाब से। इस तरीके से ये ढक्कन बनते हैं, यहाँ पे ढक्कन की फिनिशिंग हो रही है। ये भी ढक्कन भी सांचे में बनते हैं, बनने के बाद धूप में सूखते हैं और फिर यहाँ पर इसको फिनिशिंग जो है वो लाई जाती है और यहाँ पर रखा जाता है, और ये भी साथ में कूलर के साथ ही पकाए जाते हैं। अभी कूलर जो है ये भट्टी के अंदर डाले जा रहे हैं और इसको पकाया जाएगा। अब ये कूलर पक चुके हैं और ये पके हुए कूलर आप देख रहे हो कलर चेंज हो जाता है पकने के बाद, ये बिल्कुल लाल हो जाते हैं और जो है इनके अंदर काफ़ी खूबसूरती और मजबूती आ जाती है पकने के बाद। पकने के बाद जो है अब पैकिंग का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है, इनको कार्टन में पैक करके एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर। तो इसके लिए कार्टन के अंदर अच्छे से जो है पैक किया जा रहा है इसको, इसके अंदर इसकी जो टूटी होती है नलका जिसको कहते हैं वो भी कार्टन के अंदर डाल देते हैं, और इसका जो कैप है ढक्कन है कूलर का वो भी इसी कार्टन के अंदर डाल के जो है वो पैक किया जा रहा है अच्छे तरीके से। ये पैकिंग हमारी इस तरह से होती है, ये कार्टन में हम लोग पैक करते हैं इसको। कार्टन में आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारे कार्टन हमारे बने पड़े हैं, यहाँ पे बने हुए हैं।